फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू टी एस एन स्कूल क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर नाइन रे ऑप्टिक्स उसका आज का आपका पार्ट है पार्ट फिफ्टीन जो कि इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है लास्ट पार्ट है एस्ट्रो नो एन ओ की स्पेलिंग आपकी यहाँ पे मिस हो गई है एन ओ एस्ट्रो नो एन ओ और आएगा एन ओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ओके इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर ऑब्जर्विंग डिस्ट्रिंक इमेज ऑफ फैमिली बॉडीज लाइक स्टार्स प्लेन एक्सेट्रा माइक्रोस्कोप में आपका क्या था स्मॉल uh, बॉडीज़ को आपको लार्ज में करके देखना था इसमें आपकी बॉडीज़ क्या है लार्ज हैं उसको स्मॉल करके देखना है थ्योरी आपकी क्या है इट इज़ टू इट हैज टू कॉन्वेक्स लेंसेज पाक बाय समिटेंस द लेंस टू वर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस द लेंस टूवर्ड्स द आई इज कॉल्ड आई लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ लार्जर ऐपरेचर देन आई पीस और आई लेंस उसमें इसमें भी आपके टू लेंसेज यूज़ होंगे जो स्मॉल लेंस होगा वो आपका आई पीस होगा या आई लेंस और जो लार्जर लेंस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह यूज़ होगा उल्टा है माइक्रोस्कोप की तरह से माइक्रोस्कोप में आपका स्मॉल लेंस होता था वो ऑब्जेक्टिव और जो um, बिग लेंस था वो आपका आई पीस इसमें आपका बिग लेंस आपका ऑब्जेक्ट है और स्मॉल लेंस आपका आई पीस है क्योंकि इसमें जो आपकी बॉडीज़ हैं वो बड़ी बॉडीज़ को स्मॉल बॉडीज में देखना चाहता है ओके केस वन आपका क्या है इमेज इज़ फॉर्मड एट इन्फिनी इन्फिनी भी आपकी इमेज होगी अब देखिए इसमें भी आपके टू लेंसेज हैं स्मॉल लेंस एंड बिग लेंस स्मॉल लेंस आपका आई पीस हो गया या आई लेंस हो गया और जो बिग लेंस है वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस अब ऑब्जेक्टिव लेंस या जो आपका बड़ा वाला लेंस है उसमें देखिए हमने रेज हमने डाली एरोज लगा देना आप इस डाइग्राम में एरोज लगेंगे ठीक है आपकी देखिए जो फर्स्ट इसमें सारी रे जो आपकी सीधी ही निकल जाएंगी अब रे देखिए एक हमने पहले सेंटर से ली जो आपकी सीधी ही निकल गई फिर एक सेंटर के बाद और एक पहले और तीन रेजेज ली जो आपकी सेम पॉइंट ए डैश पे ही मीट हो रही हैं ओके और वहाँ से जो आपका एंगल बनेगा इधर देखिए ऑब्जेक्ट वाले लेंस पे आपका एंगल यहाँ क्या बन रहा है एल्फा ओके और ऑब्जेक्ट में हमने एफ ओ लिख रखा है एफ़ ओ से लेके फर्स्ट लेंस तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी एफ ओ अगर ये एंगल एल्फ़ा है तो इसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमने क्या लिख दिया एल्फा अब आई आए, आपकी लेंस टू यानी कि आई लेंस अब इस सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश ठीक है ना ए डैश बी डैश से आपका जो रे गई सेंटर से होकर निकल जाएगी सीधी ऐसे ही दूसरी रे भी आपकी निकली अब आप ऊपर तो मीट नहीं हो सकती है नीचे भी हमने इसको पैरल हो रही हैं तो नीचे भी डायजर्स करके तो यानी कि वो भी आपकी क्या हो रही है मीट नहीं हो रही है पैरल है ओके और सेकेंड लेंस से लेके फोकस तक की डिस्टेंस जहाँ एफ ओ लिख रखा है वहाँ तक की एफ़ ई और यहाँ एंगल आपका क्या बन रहा है बीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ पे आपका क्या बनेगा बीटा ओके okay, स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ बने क्या बनेगा आपका बीटा ही बनेगा क्या बन रहा है आपका बीटा ओके okay? ऑब्जेक्ट वाले लेंस के लिए एफ ओ और आई लेंस वाले के लिए एफ ई ओके okay, अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है आपका इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सबस्टेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड आई तो एम इजिकल्स टू बीटा अपॉन एल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए क्या हो जाएगा एम इजिकल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा स्मॉल एंगल्स के लिए आता है मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है आपकी इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सब्सटेंडेड बाई इमेज टू द एंगल सब्सटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एन आई एम इजिकल्स टू बीटा अपॉन एन एल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए एम इजिकल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा अब टेन बीटा और टेन एल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपकी क्या आएगी एम इजिकल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू एल्फा के लिए ए डैश बी डैश अपॉन बी वन बी डैश सी वन अब पहले वाले के लिए जो एंगल हमने ट्रा एंगल लिया है ए डैश बी डैश सी टू ए डैच बी डैश सी टू और दूसरे वाले के लिए अल्फा वाले के लिए ए डैच बी डैश सी वन ठीक है तो न, आपका इसमें क्या आएगा लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ क्या दोनों की सेम है ए डैच बी डैश दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए एम इजिकल्स टू बी डैच सी वन अपॉन बी डैच सी टू अब बी वन सी वन तक की डिस्टेंस कितनी है एफ ओ और सी टू तक की डिस्टेंस कितनी है एफ ई -E. जो एफ ई -E है वो आपका क्या है आपका कहाँ है माइनस में आएगा वैल्यू क्योंकि वो क्या है आपके एफ ओ तो आपका राइट हैंड साइड में हो गया प्लस के लिए सेकेंड वाले लेंस के लिए एफ ई -E आपका कहाँ हो गया लेफ्ट हैंड साइड में तो वो आपकी वैल्यू किस में आएगी माइनस में तो एम इजिकल्स टू एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई अब आपका क्या होता है लेंथ ऑफ ट्यूब लेंथ ऑफ ट्यूब इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस आई लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस तक के जो की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम ट्यूब बोलते हैं देखिए एफ ओ प्लस एफ ई इजिकल्स टू लेंथ ट्यूब यानी कि एल यानी कि दोनों लेंस की बीच की डिस्टेंस एफ ओ प्लस एफ ई तो एल इजिकल्स टू एफ ओ प्लस एफ ई ये तो हो गया आपका केस वन के लिए एम इजिकल्स टू एफ ओ अपन माइनस एम ई और लेंथ ट्यूब कितनी होगी एल इजिकल्स टू एफ ओ प्लस एफ ई अब आपका सेकेंड केस आता है इमेज इज फॉर्मड एट नियर पॉइंट और या डिस्ट्रिंग विजन नियर पॉइंट या डिस्ट्रिंक विजन वही आपके टू लेंसेज आ गए ऑब्जेक्ट एंड लेंस वाला जो आपका वो बिग है और जो आई लेंस है वो आपका स्मॉल है इसमें भी रेजेज आपकी आई तीनों ही रेजेज आपके ए पॉइंट ए डैश पॉइंट पे आके मीट हो रही हैं पहले सेंटर से पास आउट करी फिर सेंटर के दोनों तरफ से पास आउट करी तो वो तीनों जो रेजेज आ रही है वो आपके ए पॉइंट ए डैश पॉइंट पर मीट कर रही हैं अब ए डैश से हमने जो मीट करवाई ये नियर द आपका क्या है नियर पॉइंट है यहाँ डिस्ट्रिंक विजन अब ए से ही हमने आई वाले पे गए ऊपर सेंटर से निकाली फिर दूसरी रे भी आपकी निकली तो वो ऊपर तो कहीं मीट नहीं हो रही क्योंकि आपकी क्या हो रही है डाइवर्स हो रही है। नीचे कहीं हमने आके मीट करी तो दोनों कहीं आके मीट हो रही हैं देखिए मीट वाला पॉइंट है ओके तो इसकी इमेज जो बनेगी वो आपकी इसको ना नेम बी वन ठीक है नेम अभी हम इसको बता रहे हैं क्या आएंगे आपके नेम ये एरो देखिए आपका दोनों लाइन जो ए डैश से आके आ, आ रही है ना दोनों नीचे की तरफ जहाँ वी इजिकल्स टू तो, हमने डी लिख रखा है वो दोनों आके इस पॉइंट पे आपके मीट हो रही हैं फर्स्ट लेंस तक की डिस्टेंस आपकी एफ ओ और सेकेंड वाले के लिए यू ई ठीक है अब देखिए आपका इसमें एम इजिकल्स टू वही फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा अपॉन एल्फ़ा यानी कि टेन बीटा अपॉन टेन एल्फ़ा टेन बीटा के लिए ए डैश बी डैश अपॉन बी वन बी डैश सी टू b dash c two b dash c two a dash b dash upon b dash c two और सेकेंड वाले के लिए भी आपका क्या आएगा अल्फा के लिए ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी वन तो ये जो सेकेंड वाली इमेज जो आपकी ए से जो मिल रही है उसको हमने कोई नेम नहीं दिया क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है आपके ए डैश बी डैश सी वन ए डैश बी डैश सी टू ये दोनों ही ट्राइंगल यूज़ हो रहे हैं उन्नी ट्राइंगल से हमने टेन बीटा और टेन एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी वन ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश आपस में दोनों कैंसिल आउट हो गए यहाँ से एम इजिकल्स टू आपका क्या निकला बी वन सॉरी बी डैश सी वन बी डैश सी टू बी वन बी डैस सी वन इक्व टू किसके है आपका एफ हो गए और बी डैस सी टू इक्वस टू कित आपका यू ई के और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस के यू ई ओके तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉमूला लेंस फॉमूला आपका क्या होता है फॉर आई पी के लिए फॉर आई पी के लिए हम निकाल रहे हैं एम वन अपॉन एफ इजिकल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू वन अपॉन एफ ई आई के ई के लिए क्या होगा ई e, वी आपका क्या है माइनस डी और यू क्या आपका माइनस यू ई तो वन अपॉन एफ ई प्लस ये आपके दूसरी तरफ आ गया वन अपॉन माइनस के वन अपॉन डी दूसरी तरफ लेके आए तो प्लस का हो गया वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी इजिकल्स टू वन अपॉन यू ई अपॉन एफ ई हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया तो यहां से आपका बचा वन प्लस एफ ई अपॉन डी इक्वल्स टू वन अपॉन ओके अब इक्वल्स टू आपका क्या होगा एफ ओ इन अपॉन माइनस के यू ओके स्टूडेंट्स एम इक्वल्स टू एफ ओ वन अपॉन माइनस यू ई तो एम इजिकल्स टू एफ ओ इन टू वन अपॉन यू ई की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी तो आपकी क्या है वो वैल्यू वन अपॉन माइनस के एफ ई आपका बाहर ही है और अंदर आपका ब्रैकेट में क्या बचा वन प्लस एफ ई अपॉन डी तो यहाँ से एम इजिकल्स टू एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी और लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी एफ ओ प्लस यू ई और ऊपर वाले के लिए आपकी लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी थी एफ ओ प्लस एफ ई इसमें एफ ई की जगह क्या है आपका यू ई एफ ओ प्लस यू ओके, अब एस्ट्रोनॉमिकल में आपका केस वन जो था उसके केस वन के लिए एम की वैल्यू कितनी आई थी एफ ओ अपॉन माइनस एम ई लेंथ ट्यूब एल इजिकल्स टू एफ ओ प्लस एफ ई केस टू आपका जो नियर द पॉइंट है या डिस्ट्रिक्ट विंजन उसके लिए जो एम की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई वो क्या निकली आपकी एम की वैल्यू एम इजिकल्स टू एफ ओ अपॉन माइनस के एफ ई ब्रैकेट के अंदर वन प्लस एफ ई अपॉन डी और एल इजिकल्स टू तो एफ ओ प्लस यू ई ट्यूब ओके आपका चैप्टर यही फिनिश होता है इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रिज्म के दो आपके डेरिवेशन से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप उनको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें ओके और आपका चैप्टर नंबर जो नाइन अब कंप्लीट हो चुका है इसका फुली हम आपको पीडीएफ सारे पीडीएफ मर्ज करके आपको भेज देंगे और अपनी स्कूल की नोटबुक में इसको नोट डाउन करके रखें ओके okay, स्टूडेंट्स